मेरा बेशुमार दिल था कि यहाँ पे फरहाद अली शाह साहब आपके लिए यहाँ पे मौजूद होते और उनसे हम सवाल जवाब वगैरह करते, बिकॉज वो इस पैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे आप तमाम दोस्तों से गुफ्तगू करने के लिए। बिकॉज एक लेवल के ऊपर हम तमाम दोस्त जो यहाँ पे बैठे हुए हैं शाही या वेल कनेक्टेड लोग लड़के यहाँ पे ऊपर आपके सामने वकील बैठे हैं, वालिद साहब बीच में बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, कंसोटा साहब बैरिस्टर साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं खुद तीसरी गुश्त वकील हूँ। फरहाद अली शाह एक सेल्फ मेड वकील था और वो है और वो फौजदारी की तरफ काम करता। 50% जो इम्पोर्टेंट है वगैरह उसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ला के आप तमाम दोस्तों के सामने ज़रूरी था, मगर अब सुनने में आया कि वो ये जो पकड़ थकड़ हो रही है उनके एक एसोसिएट को अरेस्ट कर लिया गया, वो इसलिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक एस्पेक्ट जब हमने ये पैनल बनाया उसके अंदर कमी हमें ये नज़र आ रही थी कि बेशुमार दोस्त लाहौर में बाहर से आके वकालत करते हैं और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से शाइन भी करते हैं, और यहाँ पे उनको कैसे क्लाइंट्स मिले, उनका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर। अमूमन चूँकि फरहाद साहब यहाँ पे मौजूद नहीं और अमूमन हम वैसे कैंडिडेट्स को बुलवाते तो नहीं हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मत यह है कि लहरासब गोंदल साहब यहाँ पे बैठे हैं, सेल्फ मेड वकील हैं, आउटस्टैंडिंग वकील हैं, हमारे सीनियर हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको अपना वो रूल को थोड़ा सा खुद ही वायलेट करते हुए कि गोंदल साहब से हम रिक्वेस्ट करें कि वो आकर यहाँ पर यंगस्टर्स को ख़ास तौर पर थोड़ा सा गाइड वगैरह करें कि बंदा अपनी जगह कैसे इस प्रोफेशन में बनाता है और उन्होंने कैसे बनाई। गोंदल साहब प्लीज़ अगर आप हमें ज्वाइन करें। सबसे पहले मैं अहमद बीब साहब मेंबर पंजाब और काउंसिल उनका इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे मौके पे कुछ बोलने का मौका फराहम किया है। दूसरा ये जो उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी स्ट्रेटजी में बड़ी अहमियत है, क्योंकि जिस स्पीड से लाइन ला रहे हैं सबसे ज़्यादा कमी हमारे इदारों में इसी चीज़ की है कि डिग्री मिल जाती है लेकिन फील्ड में जाके क्या करना है इसके बारे में इदारे से कुछ नहीं मिलता। ये पंजाब बार काउंसिल की ही ड्यूटी है कि जिसको हम एक लाइसेंस दे रहे हैं उसको ये पता होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जिस तरह कोई चीज़ कारीगर बनाता है तो साथ लिखता है कि इसका इस्तेमाल इस तरह करना है, तो ये हम सिर्फ वकला को एक लाइसेंस नहीं देते बल्कि ये एक बंदूक देते हैं। ये ऐसी है जो शिकार के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है या किसी की जान भी ले सकती है। वकील की गलती करेक्ट नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट तक, अदालत की जज की गलती जो है वो दुरुस्त हो सकती है। अगर जज सिविल कोर्ट में गलती करेगा तो एपलेट कोर्ट में दुरुस्त हो जाएगी, अगर रिवीजनल कोर्ट में दुरुस्त हो जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी या फिर रिव्यू में हो जाएगी। कोई ना कोई फोरम है जो आपने प्लीडिंग में लिख देना है सुसल सिविल में, वो गलती एंड तक जाएगी और कई खानदानों की लड़ाई झगड़े और जान का नुकसान पहुँचा सकती है। तो लायर को इसलिए इन चीज़ों की कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए कि जब उसने फील्ड में जाना है तो किस तरीके से एक अच्छे उस्ताद के पास जाना है और प्रैक्टिकल लाइफ कैसे शुरू करनी है। सॉरी ये थोड़ा सा मैं टॉपिक से साइड पे हुआ हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था, जो हमें उस्ताद ने बताया है वो आपको बताना चाहिए। अब मेरा जो बेसिकली अहमद ने ये कहा है कि मैं चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया, उसके बाद मैंने वकालत यहाँ लाहौर में शुरू की और लाहौर में मेरे उस्ताद से चौधरी निसार अहमद कौशल साहब, वो साहब क्रिमिनल के बहुत अच्छे लायर थे, वो आज भी हैं, उनकी सेहत ख़राब है थोड़ी। उनके साथ कमर जमान कुरैशी साहब थे, वो भी बहुत अच्छे लायर हैं। तो हमने जब उनके पास स्टार्ट किया तो उन्होंने यही बात बताई कि आपने फील्ड में जाके सबसे पहला जो काम है वो ये होना चाहिए कि क्लाइंट के साथ आपने सच बोलना है,
जो कम आपके पास ब्रीफ आएगा उसको पढ़ के बात उसको सच्ची बतानी है, और उसके बाद जब वो ये समझ गए कि मेरा केस नहीं बनता फिर भी वो आपके पास आएगा तो वो फॉरएवर आपके पास रहेगा। जब आप मिसगाइड करके या गलत बयानी करके कोई ब्रीफ अगर लेंगे तो जब भी कहीं से उसको सच्ची बात मिलेगी तो वो हमेशा आपके कैलेंडर को ख़राब भी करेगा और ख़ुद भी नहीं आएगा। तो ये एक फार्मूला है कि हमारा यकीन होना चाहिए कि रिज़क जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना होता है, उसके लिए क्लाइंट पे रिलाय नहीं करना होता कि ये चला जाएगा तो किस तरह आएगा। मैंने सबसे पहले जो केस बुक किया था, यहाँ से मैं वापस चला गया अपने डिस्ट्रिक्ट में मंडी बहाद्दीन में 1993 में, तो उसकी फ़ीस ली थी 200 रुपया। उस ज़माने में 200 रुपया फ़ीस जो है बहुत बड़ी फ़ीस होती थी एक यंग लायर के लिए। वैसे तो जो बड़ी से बड़ी फ़ीस उस डिस्क में थी वो 2000 थी और 200 मुंशी थी। वो रिवीजन थी क्रिमिनल, उसको मैंने मेहनत की, मेहनत करके एक बंदूक जब्त की मुझे स्टेट साहब ने, वो रिवीजन में हमने जो बंदूक है वापस लेके दी, कन्फिस्केट की थी, उन्होंने बंदा क्विट किया लेकिन केस प्रॉपर्टी जो है वो कन्फिस्केट कर ली, वो नहीं कर सकते। उसके बाद उस बंदे ने जो बुज़ुर्ग थे जिनकी बंदूक थी वो उनको मिल गई, तो उन्होंने अपने इलाके में ये बात आगे जाके फैलाई कि एक यंग लायर है वो बड़ी मेहनत करता है, मेरी बंदूक उसने ले कर दी है, वो देहाती आदमी था। तो मैंने ये सोचा था कि जब वकालत शुरू करनी है तो घर से पैसे लेने हैं तब जाके काम चल रहा है, लेकिन वो 200 रुपया जो है उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें घर से पैसे लेने पड़े। अल्लाह के फजल से कोई ना कोई, जब वकील की ये एक्सपीरियंस होता है कि जब पर्स में पैसे कम होते हैं तो कोई ना कोई केस उसको आ जाता है, जिस दिन वो दिल बर्दाश्त होता है कि मैंने ये प्रोफेशन अब छोड़ देना है जिसमें बहुत बुरा हाल है, तो अल्लाह ताला उस दिन कोई ना कोई क्लाइंट भेज देता है कि आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, ये एक एक्सपीरियंस है। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चलते चलते एक वक्त आया कि 2000 तक मैंने वकालत की वहाँ पर, फिर लाहौर आ गए मैं। तो टॉप के जो वकील थे 7-8 क्रिमिनल के ट्रायल के, उसमें मेरा नाम था, यानी एक चॉइस मेरी थी एक चॉइस किसी और की थी। बात एक ही है ये सारी बातों के पीछे, पहले दिन से मैंने 4 रिसाले मेरे जो बुक्स हैं वो मैंने लगवाई, क्रिमिनल लॉ जनरल टास्क, PLD है, CLC है, SCMR है, यही क्रिमिनल में और सिविल में भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सारे जजमेंट्स थी, उनको पढ़ के जाते थे। कोई केस छोटे से छोटा भी हुआ अपनी बुक्स लेके जाना है, ब्रीफ तैयार करके जाना है, और अदालत के सामने ये नहीं समझना कि केस मेरा छोटा है या बड़ा है। हमेशा जब वकील ये समझ के बात करेगा कि जब ये मैं केस आर्गू करूँगा तो पीछे लोग सुनेंगे, दोनों क्लाइंट होते हैं आपके भी और आपके खिलाफ भी और लोग भी होते हैं और वकला भी होते हैं, तो मैंने केस को जीतना है। जब ब्रीफ आ गया है तो ये मेरा है, फीस कम है या ज़्यादा है ये नो मैटर। अब आपने एक तो इसको प्रोफेशनल ड्यूटी हमारी, ये हमारा प्रोफेशनल कंडक्ट भी है कि जब ब्रीफ ले लिया है तो उसको अपना समझ के उस पर मेहनत करनी होती है, और जब आप केस जीतेंगे तो जो क्लाइंट आपके खिलाफ होगा वो हमेशा उसके जहन में ये होगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने इनको वकील करना है, क्योंकि इसने मेरे खिलाफ जीता है, मेरे वकील से ये ज़्यादा मेहनती है, अच्छा वकील है, तो वो कोशिश करेगा कि नेक्स्ट टाइम आपको वकील करेगा। मेरे साथ यही होता रहा है कि जब भी वो दूसरी पार्टी कोई और मैटर होता वो मेरे पास आते वो कहते हैं जी आप हमारा केस करेंगे, तो वो भी हम उसी बहन से करते रहे हैं। जब भी कंपिटेंसी जो है वो आप क्लाइंट पे ये नहीं जाना होता, क्लाइंट आपका अट्रैक्ट होगा आपकी कंपिटेंसी, आपके रिजल्ट से, आपकी मेहनत से, जो आप रिजल्ट अच्छा लेके देंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो जो रेपुटेशन है वो पूरे इलाके में ट्रैवल करती है।
दूर दराज के इलाकों के लोग होते हैं, वो आपको पता नहीं होता कहाँ पे आपकी बात कर रहे होते हैं। जेल से हमें फ़ोन आते हैं लोगों क्लाइंट्स के और पार्टीज के, जी जेल से बंदे ने किया जी फलां वकील में कर। अब हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि जो बंदा उसके साथ वाला जब रिलीज होता है तो वो उसको बता के जाता है कि मेरा फलां वकील, वो अंदर से कहता है जी उसको कर लो। अब मैंने खुद एक केस में तारण साहब को हमने वकील किया हुआ, मेरा हमारा एक दोस्त था, उसने कहा तारण साहब को वकील कर रहा है। मैंने कहा जी ठीक है, फीस भी दी उनको काफ़ी। अब उसके साथ वाला वकील क्लाइंट जो है उसको एक और वकील साहब हैं, उनसे काफ़ी जूनियर हैं, उन्होंने रिलीज़ करवाया तो मुझे फ़ोन आया जी वो नाड़ों में वकील कर लिए, जो फलां वकील है उसको भी साथ खड़ा कर लें। मैंने कहा वो उनका कंपटीशन नहीं है उनके साथ, केस के अपने अपने वाकयात होते हैं, वो रिलीज़ हो गया होगा, लेकिन तारण साहब का मैच नहीं हो सकता कि हम उसके उनके मुकाबले में यह साथ खड़ा करें। तो इसलिए वकील को क्लाइंट के बारे में ये फिक्रमंद करने कि मैं किसी तरीके से, अब हम लाहौर आ गए हैं, 20 साल मुझे लाहौर में हो गए हैं, मेंबर बने हैं, वाइस चेयरमैन इसी बार काउंसिल के रहे हैं, तो ये सब कुछ हमने इसी प्रोफेशन से मैंने लिया है, यहीं से निकाला है, यहीं से कमाया है और यहीं पर लगाया है। और दोस्तों की मोहब्बत जो है वो आपने कैच करनी होती है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म जो है उसके अंदर ही सब कुछ है। आप मेहनत करें, अगर आप बुक्स के साथ आपका रब्ता हो, जजमेंट आप कंप्लीट करें, ये जो आप आजकल शॉर्टकट है जो मीडिया के ज़रिए हम बैठ के एक सिर्फ हेड नोट पढ़ते हैं और कहते हैं ठीक है ये बात है, ऐसे नहीं होता। अगर आप पूरी जजमेंट पढ़ेंगे तो बड़ी चीज़ें और आपको सामने नज़र आएंगी और कई केस आपके एक जजमेंट से तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए बंदे को अपना रिज़ल्ट अच्छा अगर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपके पास आएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, कैजुअली चीज़ों को लेंगे और सिर्फ पैसे पर नज़र होगी तो उससे ये होगा कि आपका जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, जो आजकल वाकयात होते हैं अहमद साहब को पता है, हमें भी पता है, जो हालात इस वक्त हैं प्रोफेशन के, जो दोस्तों के, जो शॉर्टकट हैं माजरत के साथ, ये जितने वाकयात और इवेंट और इंसिडेंट और जाने जा रही हैं ये शॉर्टकट हैं। हमारा काम है जिस फोरम पे हम बैठे हैं वो फीस लेनी है, अगले की नहीं लेनी। अगर हम एंड तक फीस लेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। ये रब पे शाकर हो के बंदे को जब बंदा आ जाए तो उसको यही समझना चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने मेरे पास बंदा भेजा है, मुझे तो पता नहीं ये कहाँ से आ गया है। हम किसी क्लाइंट का पीछा नहीं कर सकते, हमारे ख्याल में भी नहीं होता कि बंदे ने कहाँ से आना होता है। तो जब आए तो ये एक अल्लाह की तरफ से भेजा होता है, हमें चाहिए कि उसकी अच्छे तरीके से खिदमत करें और सच बोलें। उसके लिए अपना प्रोफेशनल जो ड्यूटी है वो करें। हम प्रोफेशनल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल ड्यूटी है हमारी, हम बिजनेसमैन नहीं हैं। वकील इज़ नॉट ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन होता है जो चीज़ बेचता है और उसके पैसे लेता है। हम तो अपना इंटेलेक्चुअली काम, अपनी जो वीएन है, जो हमारे पास एक नॉलेज है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमने उसको उसकी सर्विसेज देनी होती है। तो सर्विसेज देने के मुआवजा कोई बंदा नहीं दे सकता इसका। तो कोई बंदा, किसी की जान अगर बच जाए, कोई बंदा बरी हो जाता है तो वो कत्ल से बरी हो जाए तो उसका मुआवजा वकील को नहीं दे सकता अगर उसने मेहनत की है। ये तो सर्विस है, उसने अपनी इस्तेआत के मुताबिक करनी है, जो उसकी ताकत है, जितनी उसकी माली हैसियत है। अगर उसकी कीमत लगाएं तो कोई बंदा नहीं दे सकता। तो हमें चाहिए कि जब क्लाइंट आए ये समझें कि ये एक इंसान है, इसकी हमने खिदमत करनी है अपनी ताकत और मेहनत और अपनी एबिलिटी के मुताबिक। अगर नहीं पता, ब्रीफ ले लिया है, तो फिर अहमद साहब हैं, आगे भी अहमद साहब हैं, तो किसी से भी हम पूछ सकते हैं कि ये मेरे पास आ गया ब्रीफ तो मैं, मुझे गाइड कर दें, मैंने फीस ले ली है लेकिन मेहनत करके। तो इसलिए ये कोई मुझे, जब मैं एक थोड़ी सी बात करता हूँ, मैं जब यहाँ पे आया, मुझे मंसूर रहमान अफरीदी साहब हमारे सीनियर हैं, मैं उनको मिला, मैंने कहा जी प्रोफेशन में आए हैं तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी सैचुरेशन है, बहुत रश है, तो क्या कोई जगह बन सकती है लाहौर में? तो उन्होंने कहा जब मैं भी आया था तो मुझे भी उन्होंने यही कहा कि बहुत सैचुरेशन है, बहुत रश है, तो आपको नौकरी कर लें। तो मैंने पूछा, ये सवाल किया सीनियर से कि आपके पास गाड़ी, दफ्तर, घर, ये कहाँ से बनाया है? वो कहते हैं जी वकालत से बनाया है। वकालत से बनाया है
तो आपने भी मेहनत की है तो इंशाल्लाह हम भी मेहनत करेंगे तो मैं भी बना लूँगा। वो कहते हैं मेरे पास भी सब कुछ है, बात सिर्फ ये है कि बंदा मेहनत करे। पी के जाल में देख रहे किसी प्रोफेशन में हमेशा टॉप खाली होती है, टॉप पे जाने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। ये बातों से या किसी शो से या बगैर कुछ किए आप टॉप पे नहीं जा सकते। इसलिए मेरी कि आप लोगों से, आप यंगस्टर हैं प्रोफेशन में आए हैं वेलकम, लेकिन ये बहुत रॉयल प्रोफेशन है। इसकी पॉकेट हमेशा पैसों वाली पीछे थी गाउन के, जो अब बंद कर दी गई है, अब निशान रह गया है, लेकिन वो पॉकेट थी जो गाउन के पीछे होती है। उसमें लोग कायम डालते थे, उस वक्त हाथ में कोई वकील पैसा नहीं पकड़ता था, कोई फीस नहीं लेता था, सर्विस देते और क्लाइंट को कहते कि मुझे नहीं दिखाना आपने क्या दिया, आप पीछे डाल, इसलिए कि आपकी इज्जत भी बच जाए, महफूज रहे, वो दूसरे कायल के साथ मिक्स हो जाए, मुझे नहीं पता आपने क्या दिया, और आप शर्मिंदा भी ना हो मेरे सामने कि आपने थोड़े पैसे दिए। तो ये इसी वजह से इसको रॉयल कहते हैं, ये शाही लोगों का प्रोफेशन है। आप फिर सारे लोग आ गए हैं, एक जज साहब ने वो बातें भी की थी यहाँ पे, लेकिन ये सब के ही है, हम पाकिस्तानी हैं, सिटीजन हैं, सबका राइट है, लेकिन खुदा के वास्ते ये बहुत ही अनरेबल प्रोफेशन है। इसे क्रीम ऑफ सोसाइटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? लॉ नोइंग पर्सन है, सब कुछ जानते हैं, जो सब कुछ जानते हुए गलती करेगा उसकी सजा ज़्यादा होगी, जो इग्नोरेंस में गलती करेगा उसकी सजा कम होगी। वो कहे मुझे पता ही नहीं था या अल्लाह कि मैंने ये गलती होगी, जिसको पता है वो करता है तो वो उसका मुजरिम है, ज़्यादा है। आप लॉ नोइंग हैं तो इसलिए इस प्रोफेशन में आए हैं, आपको वेलकम, लेकिन मेहनत करके इज्जत के साथ आप जो मुकाम चाहें वो हासिल कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। उस्ताद अच्छा होना चाहिए और मेहनत होना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने सबर के साथ सुना।